वेलकम बैक ब्लॉग मंजेश, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज सुबह तो बहुत अच्छी हुई, अभी मज़ा भी आ रहा है। थालों का नाश्ता फ्रेश हो गया सुबह 9 बजे ही, बहुत जल्दी। और पर जो रात को हुआ वो बहुत बेकार लगा, बहुत ही बेकार हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। बुरा ये हुआ कि जैसे हम रूम में आए, हमने सोचा कि भाई खाना वाना खा कर सो जाएंगे, खाने के लिए ऑर्डर दिया किचन में, जैसे तैसे उन्होंने जो बनाना था मतलब जितना ऑर्डर किया उतना बना दिया उन्होंने, ऑर्डर दे दिया, खाना खाए। खाना खाने के बाद ऐसा लगा कि यार हमने कम ऑर्डर कर दिया, कुछ और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा और ज़्यादा कर देना था तो पेट भरता सबका, मतलब किसी का पेट नहीं भरा भाई रात को। तो भूख लगी रही और किचन बंद हो चुका था इसलिए दोबारा हमें मिला नहीं। तो क्या करते फिर, सोचा कि कोशिश करते हैं सो जाएँ। सोने की बहुत कोशिश की पर नींद भी नहीं आई, भूख लगी थी ना, कभी इधर पटक रहे हैं, सिर्फ नींद आ ही नहीं रही थी किसी को। फिर आखिर में सोचा कि आपको खाना खाना ही पड़ेगा। रात के 1 बजे निकले भाई हम होटल से, मैं और रवि पूरा पटना घूमे लगभग, कहीं कुछ दुकान खुली हुई मिल जाए तो कुछ खाने को लिए बढ़िया, कहीं कुछ नहीं मिला। लास्ट में जाकर बर्गर किंग, वो भी बंद हो गया था, बर्गर किंग गए, वहाँ पे देखा कि भाई ये चल रहा है, लेकिन वहाँ पे गार्ड बैठा था, बोल रहा नहीं भाई एंट्री नहीं। जैसे तैसे हाथ जोड़ कर उसको जाकर मनाया, फिर जाकर ऑर्डर दिया, वो भी कह रहे ऑर्डर यहाँ से नहीं होगा ऑनलाइन कीजिए, फिर स्विगी से ऑर्डर किया, फिर डिलीवरी बॉय आया, डिलीवरी बॉय से बर्गर किंग से बाहर निकाला ऑर्डर को लेकर फिर गाड़ी में बैठ कर खाएँ। उसके बाद ठंडा पीने के लिए गए रेलवे स्टेशन पर, ठंडा मिला फिर पी, बहुत ही बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं आज निकलने वाला हूँ गाँव के। तो गाइस जैसे ही मैं निकला, रास्ते में आते हुए पता क्या, गंगा का पानी लगभग 3% ट्रिपल हो चुका है, जितना पानी था उसका ट्रिपल हो चुका है। पता है क्यों, मतलब अब मुझे नहीं पता, बारिश तो हुई नहीं और एक दो दिन शायद बारिश हुई पटना में, पर पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी गंगा में भर गया है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि टिकट नहीं थी भाई हमारे पास, और पहले से टिकट की नहीं थी मतलब, तो जनरल में आना पड़ा। और जनरल में आकर भाई एक चीज़ मैंने देखी, बंदा जितना मर्जी चमकता दमकता के चेहरा लेकर आए, मुंह धोकर लिचका कर फेस वॉश करके, साला जब आप जनरल डब्बे में बैठोगे ना, माँ कसम चेहरे की लाइट ही ख़त्म हो जाती है यार। वही मेरे साथ भी हुआ था, मुँह सूख गया था एकदम, फूले हुए सूखे हुए फूल जैसा। तो खैर ये तो हो गया। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जैसे मैं मीरगंज पहुंचा, फिर थोड़ा मतलब कुछ लिए कि हरी आ जाए चेहरे पे, और उसके बाद फिर घर आ गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।